वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज खुशखबरी ये है कि बहुत 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 दिनों बाद आज लग रही है धूप। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद, करीब 15 दिन के बाद आ गया है हमारे एरिया में धूप। और हमने आज नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लिया है ना आयुष, पूजा किया है ना तुमने? तो आयुष ने भी पूजा कर लिया है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं, रोहित के स्कूल चलते हैं, नहीं तो अगर हमने इस महीने का फीस नहीं दिया है, जनवरी का फीस नहीं दिया है, अगर 10 तारीख के बाद ना लेट फीस लगती है तो 50 रुपये फाइन देना पड़ता है उसके स्कूल में। तो आज तो ओवर हो ही गया है एक दिन, आज 11 तारीख है, तो सोचा क्यों ना आज तक तो चल ही जाएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं रोहित के स्कूल और आयुष को मैं छोड़ के यहीं पे जा रही हूँ। और आज लग रही है मस्त धूप लग रही है आज, है ना रोहित के पापा? धूप लग रही है, 15 दिनों बाद धूप आया है, बहुत दिनों बाद। 25 दिसंबर के दिन ही धूप लगा था, उसी दिन से धूप नहीं आ रही है, लेकिन आज आया है धूप। तो हम लोग मनाएंगे पिकनिक, आज हम लोग मनाने जा रहे हैं पिकनिक, है ना? तो प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं पिकनिक और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, और ले लिया है मैंने कार्ड वगैरह ले लिया है फीस पेमेंट करने के लिए। तो जा रहे हैं अभी स्कूल। धूप लगने के बाद भी काफ़ी ठंडी लग रही है, हवा चल ही रहा है अभी भी। और अभी हम आ गए हैं रोहित के स्कूल, पास में ही है उसका स्कूल। तो ये रहा रोहित, रोहित भी आ गया, ये मुझे देखते ही क्लासरूम से बाहर निकल के आ जाता है। ये पहले से ही तैयारियां करके रखा था और हमने फीस दे दिया। अब हम चलते हैं घर के तरफ और आज बनाने वाले हैं हम पिकनिक। अच्छा चलो, हेलो हेलो बोलो, मैं स्कूल से आ गया। स्कूल से आ गए? मम्मी ना वो कर रही है, पिकनिक बना रही है, और मम्मी ना मीट बना रही है, और ना मम्मी प्याज काट रही है। तो दोस्तों देख सकते हो रिंकू अभी पिकनिक की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सबसे पहले वो प्याज काट रही है, और प्याज काटते काटते बेचारी को आंसू आ रहे हैं। जितना प्याज नहीं काट रही है उतने उसके आंसू आ रहे हैं। देख सकते हो हमने प्याज काट कर लिया है, ये रहा हमारा चिकन। और अब हम जा रहे हैं मीट बनाने के लिए। अभी समय हो गया है 12 और 12:30 हो रहा है समय अभी। तो सोचा हम लोग दोपहर को ही थोड़ा सा पिकनिक मनाया जाए कि आज बहुत दिन बाद धूप लग रही है छत पर। तो सोचा छत पर कुछ बैठ के, ऐसे धूप में बैठेंगे उससे अच्छा है कुछ लेके बना के खाएंगे, बैठ के पिकनिक मनाएंगे, बच्चों का भी इंजॉय हो जाएगा। तो नया साल की पार्टी हमने किया नहीं था, तो सोचा क्यों ना आज ही कर लेते हैं, और ठंड में बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे पार्टी करने के लिए, इसलिए सोचा क्यों ना बनाकर और चलते हैं छत पर बैठ के सब खाएंगे। हम जो भी करते हैं पहले अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके खुशी के लिए ही हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा। छत पे ये लोग जाते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। और अभी हम लोग आ गए हैं छत पर और देख सकते हैं हमारे थाली में क्या क्या है। बच्चों के लिए चावल लेकर आई हूँ, और हम लोगों के लिए है मुरी और मीट है। तो यहाँ बैठ गए हैं, आज काफ़ी दिनों बाद धूप लग रही थी, तो सच बताओ तो बहुत ही अलग सी एक खुशी थी कि 15 दिनों बाद धूप लग रही है और बच्चे लोग भी सब साथ में ही हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये देखिए हमारा पिकनिक।
इसमें थोड़ा सा चावल बच्चों के लिए लेके आई हूँ और इसमें ये हमारा पिकनिक है, तो पिकनिक में तो यही सब चीज़ें होती है। तो चलते हैं, आप तो भी थोड़ा बहुत लग रही है, तो चलते हैं पार्टी करने, है ना आयुष? आयुष पार्टी करोगे? हाँ, हंस रहा है ना। तो क्या कर रहा है? रोहित बॉल खेल रहा है और हम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। आ जाओ तुम भी पार्टी कर लो, पिकनिक मनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आयुष खाना शुरू कर दिया है, लेकिन रोहित को कहा गया रोहित तुम भी खा लो, तो कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो आप लोग खाओ। तो उसके मुंड का ना कोई भरोसा नहीं होता है, वो उतना मीट मछली नहीं खाता है, लेकिन मेरा आयुष जो है वो खा लेता है। तो रोहित कह रहा है मैं बाद में खाऊंगा, आप लोग खाओ। तो वहाँ पर वो बॉल से खेल रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार खाने में बॉल फेंक दे रहा था। तो देख सकते हैं हम लोगों को बच्चे लोग खाने भी नहीं दे रहे थे, बच्चे इतना डिस्टर्ब करते रहते हैं, कभी उनको कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, कभी कह रहा मुझे चावल चाहिए कभी कह रहा पानी चाहिए। तो हमारा पिकनिक हो गया है और देख सकते हैं बच्चे लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, और अभी भी धूप लगी रही है ना, खेल रहा है ये। तो अभी हम लोग अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, छत पर आए हैं तो धूप सेक लेते हैं, धूप सेक लेते हैं, तो इसे धूप लग जाएगी तो विटामिन डी मिल जाएगा सबको। 15 दिनों बाद विटामिन डी मिल रही है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए आयुष क्या कर रहा है। आयुष यहाँ पे खेल, आयुष आप खेल रहे हो ना, आप खेल रहे हो ना, बोल दो हेलो, बोल देना कैसे बोलते हो, बाय बाय। हाँ चुमा भी दे दो आयुष, आयुष ऐसे चुमा दे दो, इधर देखो आंटी को, अंकल आंटी को चुमा दे दो। आयुष नीचे, तेरे दोस्त बुला रहे हैं, जाओ। रोहित इसको भगा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है। चप्पल कहाँ है तुम्हारा, चप्पल पहन कर नहीं आए थे? ठीक है जाओ, इसको हम लोग भगा रहे हैं, जाओ। मैं इसको नीचे फेंक दे रहा हूँ, मेरे चप्पल को कुछ मत करो, फेंक दे रहा, चलो जाओ। तो इसको हम लोग भगा रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत शैतानियाँ कर रहा है ये, है ना आयुष? भगा दे भैया को, भगा दे भैया, भैया बाय बाय, भैया बाय बाय। आई रोहित बाय बाय कह रहा तुमको, मैं तुम्हारा चप्पल ले जा। हाँ ठीक है ले जा, जा जाओ 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 ले जाओ, चला गया भैया। अब तुम खेलो, अब तुम अकेले हो, जो मर्जी हो करो, है ना आयुष, तुम खेलो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय बाय, अच्छे रहिए।